कुदरत केयर में आपका स्वागत है। मैं मोनिका आज आपको बताऊंगी 5 बेनिफिट ऑफ ब्राउन राइस, यानी जो ब्राउन राइस होते हैं, भूरे चावल जो होते हैं, उसके 5 फायदे। ब्राउन राइस खाने में इतना टेस्टी नहीं होता है, यानी अगर हम उसको सफ़ेद चावल या रेगुलर जो चावल हम खाते हैं, इस्तेमाल जो करते हैं, अगर उसको देखें, अगर दोनों को कंपेयर करते हैं, तो टेस्ट में थोड़ा सा फर्क होता है। यानी अगर हम खाते हैं तो थोड़ा सा रॉ जैसा फील आता है हम लोगों को, थोड़ा सख्त महसूस होते हैं ब्राउन राइस। जो सफ़ेद राइस है उसको बहुत सारी मशीनों से निकाल के उसके ऊपर पॉलिश किया जाता है, यानी एक जो भूरे रंग की जो परत होती है चावल के ऊपर वो निकाल दी जाती है। बहुत बार पॉलिश करने में उनमें कुछ केमिकल का भी इस्तेमाल होता है, जो हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। ब्राउन राइस डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं और काफ़ी हल्के भी होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। ब्राउन राइस का पहला जो फायदा है, ये वेट कम करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, ब्राउन राइस जो होता है उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और ब्राउन राइस खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक होता है। अगर हम वेट कम करना चाहते हैं तो सफ़ेद चावल की जगह पे अगर हमारे खाने में हम ब्राउन राइस का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी फायदा होता है। आप दिन में 2 बार या 1 बार के मील में ब्राउन राइस का सेवन कर सकते हैं, यानी अगर आप एक चपाती, एक रोटी के साथ आप चावल खाते हैं तो सफ़ेद चावल की जगह पे आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। कुछ ही दिनों में आपको महसूस होने लगेगा कि आपका शरीर काफ़ी हल्का हो गया है। ब्राउन राइस में एक और भी गुण पाया जाता है कि हमारी जो चर्बी होती है, यानी जो स्टबन फैट अगर हमारे शरीर में है, तो उसको गलने में भी काफ़ी मदद करता है ये। वेट का बढ़ना बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हमारा हाजमा अच्छा नहीं है, हमको कॉन्स्टिपेशन है, या हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है अच्छे से, तो हमारा वेट बढ़ता जाता है। ऐसे में आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, आपको बहुत लाभ होंगे। ब्राउन राइस का दूसरा जो फायदा है, ये मधुमेह के रोगियों के लिए है। मधुमेह के रोगी अगर सफ़ेद चावल की जगह पे ब्राउन राइस का सेवन करते हैं तो उनके लिए बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि ब्राउन राइस में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि खून में जो शुगर की मात्रा होती है उसको ये कंट्रोल करता है। अगर शुगर का लेवल ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करेगा, और अगर कम है तो उसको बढ़ने में थोड़ा मदद करता है ब्राउन राइस। तो मधुमेह के रोगियों को सलाह दी जाती है ब्राउन राइस खाने की। ब्राउन राइस का तीसरा जो फायदा है, ये है बॉडी बिल्डर्स के लिए, जिनको अपने मसल्स बनाने हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ब्राउन राइस जो होता है वो फैट रिडक्शन में बहुत लाभकारी होता है, तो फैट को बर्न करके ये मसल्स को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। हम देखते हैं कि जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, इस टाइप का बॉडी बिल्डर्स को स्ट्रेंथ की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत स्टेमिना लगता है, तो ऐसे में जो ब्राउन राइस होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। साथ में आपकी बॉडी को एनर्जी भी बहुत देता है। इसमें कैलोरी कंटेंट बहुत कम पाया जाता है, लेकिन साथ में इसके जो विटामिन्स और मिनरल की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चौथा फायदा ब्राउन राइस का है गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए ब्राउन राइस बहुत अच्छा होता है। ये अगर हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो गए हैं उसके लिए बहुत लाभकारी है। हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी में लेडीज के हार्मोन्स
बहुत अनबैलेंस होते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दूसरा जो इसका फायदा है कि अगर मूड स्विंग हो रहा है तो ऐसे में बहुत लाभकारी होता है। हड्डियां मजबूत करता है ब्राउन राइस, बहुत फायदे हैं इसके। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को काफी कमजोरी हो जाती है, उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी को दूर करने में भी लाभकारी होता है ब्राउन राइस। गर्भवती महिलाओं के लिए और भी बहुत सारे फायदे हैं। पेट में पल रहे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रेगनेंसी में लेडीज का जो डाइजेशन होता है वो पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है, यानी कभी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी उनको लूज मोशन हो जाता है। ऐसे में ब्राउन राइस काफ़ी फायदेमंद साबित होगा क्योंकि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। प्रेग्नेंट लेडीज को बॉडी पेन भी बहुत होता है, तो ब्राउन राइस में मैग्नीशियम की जो मात्रा होती है वो काफ़ी पाई जाती है, तो हड्डियों से रिलेटेड स्किन की जो प्रॉब्लम होती है या बॉडी अगर किसी वजह से स्टिफ हो गई है तो ये बहुत लाभकारी है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जो समस्याएं हैं ये प्रेगनेंसी में बहुत हो जाती हैं हम लोगों को। ब्राउन राइस का सेवन आपको वैसे ही करना है जैसे आप सफेद चावल का इस्तेमाल करते हैं। आप पुलाव बना के खा सकते हैं, आप खिचड़ी बना के खा सकते हैं या स्टीम राइस खा सकते हैं, जीरा राइस। रेसिपी सेम रहेगी, जैसे आप सफेद राइस बनाते हैं वैसे ही आपको ब्राउन राइस भी बनाने हैं, यानी आप खिचड़ी बना के खा सकते हैं इनका, बिरयानी बना के खा सकते हैं या स्टीम राइस, जीरा राइस, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे खा सकते हैं। पांचवा इसका फायदा है बेबीज के लिए, यानी छोटे बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा होता है। छोटे बच्चों को हम दलिया, खिचड़ी इस तरह से खाना देते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं, उनके दांत नहीं होते हैं, वो चबा नहीं पाते हैं, तो ऐसे में अगर हम ब्राउन राइस का दलिया या ब्राउन राइस से खिचड़ी बना के बच्चों को देते हैं तो उनको पेट में गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी उनका भी डाइजेशन ठीक होगा, हड्डियां मजबूत होंगी उनकी और साथ में उनकी बॉडी को काफ़ी एनर्जी भी मिलती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो लगातार खेलते रहते हैं, चलते रहते हैं, ऐसे में एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। छोटे बच्चों के लिए अगर आप खाना बना रहे हैं तो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है। बाय।